नमस्कार दोस्तों, बीआर हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, 7 दिन से लगातार अगर आप नीम की पत्तियों का सेवन करते हैं किसी भी बीमारी से संबंधित, ज्यादातर जो लोग रक्त शुद्धि करना चाहते हैं, जिनको फोड़े फुंसियां अधिक होते हैं, उसको रिकमेंडेशन किया जाता है कि आपको नीम की पत्तियों का सेवन करना चाहिए। इससे आपका ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा क्योंकि उसमें गंदगी भरी है। इसके अलावा जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है उनको भी ये सलाह दी जाती है कि आपको नीम की पत्तियों का सेवन करना चाहिए, लेकिन यह कोई नहीं जानता कि कितने टाइम तक नीम की पत्तियों का सेवन करना उचित है। मान लीजिए अगर आप 7 दिन से अधिक लगातार नीम की पत्तियों का सेवन करते हैं तो इससे आपकी आई साइट वीक होना शुरू हो जाएगी, यानी कि आंखों की रोशनी कम होना शुरू हो जाएगी। और लगातार अगर आप इसका 1 महीना 2 महीना 3 महीना लगातार सेवन करते हैं तो इससे आप अंधे भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, आपको 7 दिन से अधिक किसी भी बीमारी के लिए नीम की पत्तियों का सेवन नहीं करना है। चलिए हम आपको बताते हैं इसका सेवन करने का सही तरीका क्या है, किस समय इसका सेवन करना चाहिए और इसके क्या क्या फायदे होते हैं। नीम आयुर्वेद में सबसे उच्चतम स्तर पर जड़ी बूटी मानी गई है, जो आपकी कई बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकती है, लेकिन अगर इसका सही तरीके से प्रयोग किया जाए, उपयोग किया जाए तो। चलिए जानते हैं कौन कौन सी बीमारी को ये जड़ से खत्म करती है, किस समय सेवन करना चाहिए, कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार की स्किन डिजीज रहती है, किसी भी प्रकार का चर्म रोग रहता है, चेहरे पर पिंपल्स हो जाते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं, फोड़े फुंसियां हो जाती हैं, तो उसका एक ही मतलब है कि आपका रक्त शुद्ध नहीं है, उसमें कचरा भर गया है। तो नीम की पत्तियां बहुत ही असरदार होती हैं इसमें 1 हफ्ते के अंदर अंदर रक्त शुद्धिकरण करने के लिए। लेकिन उपयोग किस तरह से करना है उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले नीम के पेड़ की ताजी पत्तियां, जो हल्की लाइट ग्रीन कलर की होती हैं और इसी का औषधीय गुण सबसे ज्यादा होता है, तो सुबह उठकर सबसे पहले 1 से 2 पत्ती आपको फोल्ड कर लेनी है और उसके बाद इसका चबा चबा कर सेवन करना है। आप 1 दिन छोड़कर गैप भी दीजिए। ऐसे ही आपको हफ्ते में 3 से 4 दिन खाना है और उसके बाद 1 हफ्ते के लिए आपको गैप दे देना है। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आपने कम नीम खाया है आपकी रक्त शुद्धि नहीं होगी। 1 सप्ताह के इस्तेमाल से ही आपके फोड़े फुंसियां खत्म होने शुरू हो जाते हैं। भयंकर से भयंकर चर्म रोग भी 1 से 2 सप्ताह के भीतर खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप इसका जरूर प्रयोग करें। तो चलिए बात करते हैं अगले बेनिफिट के बारे में। दोस्तों, जिनके पेट में बहुत ज्यादा कीड़े हो जाते हैं, उनके पेट में उनका हाजमा अच्छे से नहीं रहता है, इनडाइजेशन की जिनको प्रॉब्लम रहती है, जिनका पेट सुबह अच्छे से साफ नहीं होता है, जिनको कब्ज की समस्या रहती है, उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है नीम की पत्तियों का हफ्ते में 1 से 2 बार सेवन करना, लेकिन सुबह उठते ही खाली पेट सेवन करना, लेकिन आपको ताजी पत्तियों का सेवन ही करना है। चलिए बात करते हैं अगले बेनिफिट के बारे में। दोस्तों, जिनको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि दांत खाज खुजली की समस्या हो जाती है, उनके लिए नीम की पत्तियां बहुत ही असरदार होती हैं। अगर आपके प्राइवेट पार्ट में फंगल इन्फेक्शन हो जाती है या फिर शरीर के किसी भी अन्य हिस्से में फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, उसको यह जड़ से खत्म कर देता है। और इसको प्रयोग कैसे करना है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको 10 से 12 नीम की पत्तियां ले लेनी है और उसको अच्छे से पीस लेना है। उसके पेस्ट में आपको कुछ भी नहीं डालना है और इसके बाद जहां पर आपको दांत खाज खुजली की प्रॉब्लम रहती है, इसको लगाकर 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही लगा रहने दें और उसके बाद सिर्फ पानी से किसी भी साबुन का इस्तेमाल ना करें, अच्छे से धो लेना है। ऐसा 1 से 2 बार प्रयोग करने से आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले बेनिफिट के बारे में। जिनके बालों में डैंड्रफ यानी कि रूसी होने की बहुत ही ज्यादा समस्या रहती है, या फिर जिनके उम्र से पहले बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं, या फिर बाल बहुत ही ज्यादा झड़ते हैं, तो इसके लिए आपको खट्टी छाछ को, जो खट्टा दही होता है, उसमें आपको नीम के पेस्ट को 1 चम्मच डालनी है, यानी कि 1 कटोरी दही में आपको 5 ग्राम के आसपास नीम की पत्तियों का पेस्ट डालना है और इसके बाद आपको टंकन भस्म, उसका भी 1 चम्मच आपको उस दही के बीच में डाल देना है। इसको नहाने से आधा घंटा पहले आपको अपने बालों की जड़ों में अच्छे से लगाना है और फिर इसको छोड़ देना है और उसके बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को धो लेना है। अगर आप इसका 2 से 3 बार इस्तेमाल करेंगे तो आपका डैंड्रफ, आपकी रूसी जड़ से खत्म हो जाएगी और जिंदगी में दोबारा नहीं आएगी। 1 महीना छोड़कर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा होता है बालों को हेल्दी बनाए रखने के लिए। तो दोस्तों, जाना आपने नीम की पत्तियों का सही तरीके से प्रयोग कैसे किया जाता है। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।